Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, Chapter number 11, Sabse Shresht Kaun? Sabse Shresht Kaun? Chapter number 11, Sabse Shresht Kaun? यह पाठ सिखाता है श्रेष्ठता की पहचान, एकता का महत्व। एक बार हाथ की उंगलियों में कुछ ऐसी बात हुई कि उनमें यह बहस छिड़ गई, सबसे श्रेष्ठ कौन है। यानी हाथ की उंगलियां थी उनमें बहस छिड़ गई। बहस यानी ऐसी एक दूसरे से बातचीत करते करते जोर जोर से बोलना कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, श्रेष्ठ यानी सुपीरियर कौन है। तो सबसे पहले मध्यमा बोली, देखो हमारे हाथ में जो बीच में की उंगली है ना, उसे कहते हैं मध्यमा। तो मध्यमा बोली, मैं सबसे बड़ी सबसे लंबी हूँ, मैं सबसे मुख्य हूँ। मैं सबसे बड़ी सबसे लंबी हूँ यानी सबसे लंबी, देखो आप फिंगर में देखोगे उंगलियों में तो वो लंबी है ना, हाँ। और सबसे मुख्य हूँ, मुख्य यानी सबसे बड़ी और मुख्य। और ये मध्यमा को क्या कहते हैं पता है? यस, मिडल फिंगर। मध्यमा को कहते हैं मिडल फिंगर। तभी अनामिका ने कहा, सब लोग अंगूठी से मुझे सजाते हैं, मुझे रिंग फिंगर कहकर गौरव देते हैं, मैं सबसे अच्छी हूँ। अनामिका यानी कौन? रिंग फिंगर। पता है किसी की एंगेजमेंट होती है तो ज़्यादातर लोग ये रिंग फिंगर में, छोटी से सेकेंड नंबर वाली फिंगर में रिंग पहनाते हैं, इसे कहते हैं रिंग फिंगर। तो सब लोग अंगूठी से मुझे सजाते हैं, मुझे रिंग फिंगर कहकर गौरव देते हैं, गौरव यानी प्राइड करते हैं, मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे अच्छी मैं ही हूँ। तभी तर्जनी गुस्से से बोली, आप मेरी योग्यता तो देखो। श्री कृष्ण ने तर्जनी पर सुदर्शन चक्र धारण किया, संकेत द्वारा रास्ता मैं ही दिखाती हूँ, डराने धमकाने का काम भी मैं ही करती हूँ। देखो तर्जनी, वो सबसे बड़ी फिंगर है ना, कौन सी? मध्यमा, मिडल फिंगर है ना, उसके बाजू की ही फिंगर है, उसे कहते हैं तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर। तो तर्जनी बोलती है, आप मेरी योग्यता तो देखो। श्री कृष्ण है ना भगवान, उन्होंने तर्जनी पर सुदर्शन चक्र धारण किया। आपने श्री कृष्ण को देखा होगा तो उनके हाथ में हमेशा एक चक्र घूमता रहता है, तो वह सुदर्शन चक्र उन्होंने यह तर्जनी पर धारण किया था। और संकेत द्वारा रास्ता मैं ही दिखाती हूँ। देखो आप रास्ते पर जा रहे हो या किसी से आप रास्ता पूछते हो तो वो ये फिंगर से यानी तर्जनी से आपको रास्ता भी दिखाता है, और डराने धमकाने का काम तो मैं ही करती हूँ, और डराने का काम है ना तो वो मैं ही करती हूँ। तो मैं कितनी योग्य हूँ, ये तर्जनी ने कहा। पता है तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर। अंगूठा रौब दिखाकर बोला, खामोश, मेरे बिना तो हाथ की शोभा ही नहीं, मेरी छाप तो हस्ताक्षर सिग्नेचर का काम देती है, मैं सबसे मोटा सबसे श्रेष्ठ हूँ। अंगूठा यानी थंब, वो रौब दिखाकर बोलता है ऐसे प्राउडली, खामोश सारे चुप हो जाओ, मेरे बिना तो हाथ की शोभा ही नहीं, शोभा यानी ब्यूटी ही नहीं, मेरी छाप तो हस्ताक्षर सिग्नेचर का काम देती है, मैं सबसे मोटा सबसे श्रेष्ठ हूँ।
यानी मैं सिग्नेचर का काम देती हूँ ना, तो मैं सबसे मोटा, देखो मोटा है ना वो, ठीक है, और सबसे श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ा यानी सुपीरियर हूँ। तभी कनिष्ठा ने प्रार्थना की, झगड़ो मत, मेरी भी सुन लो। कनिष्ठा यानी कौन? लिटिल फिंगर, यस। तो कनिष्ठा ने प्रार्थना की, झगड़ा क्यों कर रहे हो, मेरी भी सुन लो। यह सुनते ही तीनों उंगलियां और अंगूठा एक साथ बोले, जाओ सबसे दुबली पतली और एकदम छोटी, चुप, एकदम चुप, तुम तो मुंह ही मत खोलो। क्या कहा सारी उंगलियों ने, जाओ जाओ सबसे दुबली पतली और एकदम छोटी हो, चुप, एकदम चुप, तुम तो कुछ बोलो ही मत। तब भी अचानक सामने से एक पत्थर आया और हाथ से टकरा गया, पत्थर हाथ से टकरा गया, सारी की सारी उंगलियां करा उठी, माँ लग गया, ऐसे करा उठी, दर्द हुआ उनको, हाय हाय किस दुष्ट ने पत्थर मारा, कि कौन से सिली पर्सन ने ये मुझे पत्थर मारा। सबने दर्द का अनुभव किया, पेन हुआ, दर्द यानी पेन हुआ उनको, यानी उन्होंने सबने दर्द का अनुभव किया। तभी सब शर्माते हुए बोलने लगी, हे कनिष्ठा हमसे गलती हो गई, हम सबकी शोभा मिलकर रहने में ही है, एक का दर्द दूसरे को होता है, आगे से हम नहीं झगड़ेंगी, मिलकर ही रहेंगी, जब एक के बिना दूसरी अधूरी है तो फिर श्रेष्ठ होने का झगड़ा क्यों, तब से सब मिलजुल कर ही काम करती आ रही है। वो कहती है कि हम झगड़ा ही क्यों करें, देखो यह सारी उंगलियां इकट्ठी होकर रहती तो वो पत्थर सामने से हाथ को टकरा कर चला जाता, हाथ को दर्द ही नहीं होता, लेकिन सारी उंगलियां दूर दूर थी और झगड़ रही थी, इसलिए पत्थर उनको लग गया। यानी हमें हमेशा झगड़ा करना चाहिए ही नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो हमें किसी बात का दर्द ही नहीं होगा। यानी ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी झगड़ा करना चाहिए नहीं, तो ही हमारा काम श्रेष्ठ हो सकता है। अब हम देखते हैं अभ्यास, शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग। श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, मध्यमा मिडल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, अंगूठी रिंग, गौरव ब्राइड, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, शोभा ब्यूटी, हस्ताक्षर सिग्नेचर, दर्द पेन, अधूरी इनकम्प्लीट।